हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट टैलेंटेड फुटबॉलर सुनील छेत्री की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप सुनील छेत्री के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है सुनील छेत्री और प्यार से इनको भाई कहते हैं। प्रोफेशन से इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश इंडिया में हुआ था, और 2022 के हिसाब से आज इनकी एज 38 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'7". इनका आई कलर डार्क ब्राउन और हेयर कलर ब्लैक है, और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भाई स्कूल गैंगटॉक सिक्किम से की, और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई आशुतोष कॉलेज कोलकाता से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो सुनील के फादर नेपाल से बिलोंग करते हैं, पर बाद में ये माइग्रेट होकर इंडियन हो गए। इनकी मदर एक नेशनल लेवल फुटबॉलर हैं। इनको उन्हीं से ही प्रेरणा मिली, जो ये बचपन से ही फुटबॉल के शौकीन थे, और साल 2001 में इन्होंने दिल्ली सिटी फुटबॉल क्लब में खेलते हुए अपने कैरियर की शुरुआत की और प्रोफेशनल डेब्यू किया था 2002 में कोलकाता की तरफ से मोहन बेगम से, और 2005 में ये JCT में ज्वाइन हुए, जहां पर इन्होंने टोटल 21 गोल किए। सुनील छेत्री के मेंटर हैं सुब्रतो भट्टाचार्य जी, और 2008 में ये ईस्ट बंगाल के लिए खेलने लगे। उसके बाद 2009 में इन्होंने डेम्पो के लिए खेला, और 2011 में इन्होंने चिराग यूनाइटेड को ज्वाइन किया, और उसके 2 साल बाद इन्होंने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया, और 2015 में मुंबई सिटी क्लब को ज्वाइन किया, और ये 2011 से लेकर 2015 तक फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया है 30 मार्च 2004 में इंडियाज अंडर 20 फुटबॉल मैच में, जहां इन्होंने अपना पहला गोल किया पाकिस्तान अंडर 23 टीम के खिलाफ, और 2007 में छेत्री ने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नेहरू कप जो कि 2007 में हुआ था, जिसमें इन्होंने 2 गोल किए, वहीं से ही लोग इनको जानने लगे और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और इन्होंने 2008 में SAFF चैम्पियनशिप में खेलकर टीम को फाइनल तक पहुंचाया, और 2012 में सुनील को नेहरू कप में बहुत बड़ा योगदान रहा, और 2019 में AFC एशियन कप क्वालिफाई किया। तो हमको कमेंट करके बताना कि सुनील आपको कैसे लगते हैं। अब इनके फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम KV छेत्री है, इनकी मदर का नाम सुशीला छेत्री है, इनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम वंदना छेत्री है, इनकी वाइफ का नाम सोनम भट्टाचार्य है, इनकी मैरिज 2017 में हुई थी। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, बैडमिंटन एंड टेनिस काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, डेविड विल्ला। फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान। फेवरेट एक्टर्स हैं कोना सेन। फेवरेट क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है ओडी की A6, सेकेंड कार है मारुति सुजुकी सियाज। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको एक मैच खेलने का लगभग 9 लाख रुपए मिलता है, साथ ही साथ ये ब्रांड को एंडोर्स करने का तकरीबन 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 12 करोड़ रुपए है। तो ये थी सुनील छेत्री की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।